गाजियाबाद से बीजेपी की मेयर पद प्रत्याशी सुनीता दयाल हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैम, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में आप जाएंगी? अब मुद्दे तो अभी आएंगे और अभी तो शुरुआत है। सबसे तय करके जो भी असली मुद्दा तो 24 है। मैं तो प्रतिनिधि हूँ माननीय योगी जी की और मोदी जी की, और मैं कमल के फूल के साथ हूँ, तो कमल का फूल खिलेगा तो 24 में फिर लहराएगा परचम पूरे देश के अंदर। लेकिन हम शहर के मुद्दों की बात कर रहे हैं, क्योंकि शहर की सरकार में 95 में से आपकी सरकार है और आप ही वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी बड़ी बात कहने के से ज़्यादा बड़े काम करके दिखाएं, मुझे लगता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बहुत बड़ी बड़ी बात कहूं और उसका कोई फायदा नहीं, बड़े काम करूं फिर तो भी कुछ सोचा होगा शहर को लगेगा जमीनी स्तर पे क्या है और क्या क्या और होना चाहिए। बेहतर अच्छा बेहतर होगा सबसे बातचीत करके बाजार वालों से, लोगों से, समाज से, किस वार्ड में किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ के नागरिकों को किस सुविधा की ज़रूरत है, सबसे बातचीत करके। कोई एक जने का हुक्म ना चले, शहर सबका है, मैं सबकी हूँ। सबसे बात करके जो शहर के लिए ज़रूरी होगा, आप लोगों से भी बात करूँगी, आप भी शहर के वासी हैं, तो सबसे बात करके जो शहर के लिए ज़रूरी होगा वो करेंगे। अच्छा, आप बीजेपी की बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता रही हैं, काफ़ी लंबे समय से आप बीजेपी में रही हैं। ये बताइए कि अगर बात की जाए शहरी मुद्दों को लेकर, जैसे गाज़ियाबाद की बात की जाए, और गाज़ियाबाद में कुछ मुद्दे, डंपिंग ग्राउंड के बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, इस तरह के कुछ मुद्दे, तो देखिए लोकल, ये लोकल मुद्दे होते हैं। हालांकि आप बेशक आप प्रदेश की राजनीति करती हो, लेकिन लोकल मुद्दों की बात भी करेंगे। अभी उस विषय में क्या कहना, जब चीज़ों को संभालेंगे तब बोलेंगे उस विषय पे। अभी इस विषय पे क्या बोलना है, जब तथ्य आएंगे, तथ्य के बिना कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक बात ये भी जानना चाहेंगे आपसे, अब सामने टक्कर, क्योंकि सभी पार्टियों ने उतार दिए हैं, चाहे आम आदमी हो, चाहे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन हो, कांग्रेस प्रत्याशी आपके सामने हैं, बसपा प्रत्याशी आपके सामने हैं, तो टक्कर दूसरे नंबर, पहले पे ही मानेंगे आप तो, अगर आपसे बात कर रहे हैं तो दूसरे पे आप किसे मान रही हैं? अगर किसी को भी नहीं जी, सब जगह भाजपा है, देश में भी प्रदेश में भी, और गाजियाबाद में तो ऑटोमेटिकली सब जगह भाजपा है, तो कमल ही खिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब आप कह रही हैं कि जो आपका पिछाड़ में से जो किला बना हुआ वो ध्वस्त नहीं होगा? आप सवाल ही नहीं होता भाजपा। तो साथ में नरेंद्र कश्यप हैं, मंत्री जी हमारे साथ बात करते हैं। मंत्री जी, चलिए बधाई दे रहे हैं आप। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अब यहाँ पर चुनावी जो समर है वह शुरू हो गया है, और शहर की सरकार सुनीता दयाल जी मैदान में, तो कितनी वोटों का अनुमान लेकर चल रहे हैं? अगर वोट जीत का अनुमान की बात करें तो आप, क्योंकि आप तो जीत की बात करेंगे, देखिए सरकार तो आपकी। उत्तर प्रदेश की प्रदेश के उपाध्यक्ष और गाजियाबाद की राजनीति में अपना एक बड़ा मुकाम रखने वाली बहन सुनीता दयाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने मेयर का प्रत्याशी बनाया। मैं बहन जी को बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी ने कैसे उम्मीदवार को, एक ऐसे कार्यकर्ता को मौका दिया है जो सदैव भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहा है। जहाँ तक जीत की बात है, गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा गढ़ है जहाँ पर प्रत्येक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि इस मेयर के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद इस मेयर के चुनाव में अपार सफलता के माध्यम से अपनी जीत के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अधिकतम मतों से जीत हासिल करने का काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी हम उत्तर प्रदेश के स्तर पर भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के सभी निगम, पालिकाएं, पंचायतों में क्लीन स्वीप करने वाली है, यानी भाजपा ही भाजपा, घर घर में भाजपा, घर घर में भाजपा। राज्यसभा सांसद भी हमारे साथ अनिल अग्रवाल, जिनसे ही बात कर लेते हैं। आपके प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं, काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा, लिस्टों के लिए काफ़ी मंथन चला, लखनऊ की बात करें तो आप कितने मतों से जिताएंगे? नहीं, आज तक का जितना भी रिकॉर्ड है उससे ज़्यादा मत मिलेंगे, और बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, संगठन का बहुत अनुभव है, वर्तमान में भी प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सब मिलके चुनाव लड़वाएंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। देखिए सुनीता दयाल
जी से हम बात कर रहे थे, उसके बाद जो मंत्री नरेंद्र कश्यप उनसे बात कर रहे थे, जो राज्यसभा सांसद है अनिल अग्रवाल उनसे बात कर रहे थे, और साफ तौर पे इन्होंने कह दिया है कि पिछली बार का भी रिकॉर्ड इस बार टूटने जा रहा है। गाजियाबाद से कैमरामैन धर्मरतन के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।